हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अनुष्का राज। वेलकम टू गुरु चकाचक। टुडेज टॉपिक इज ऑपरेशन नमस्ते। ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको भी फॉलो करें। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो जिस पर्सन को, वो आर्मी चीफ है। इनका मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनका नाम क्या है। और ये है ऑपरेशन नमस्ते। ये आर्मी की तरफ से प्रोटेक्ट द आर्मी पर्सनल ऑपरेशन नमस्ते को स्टार्ट किया गया है, जिसमें सेट ऑफ बहुत बहुत सारे सेट ऑफ एडवाइजरी हैं। ये सारी चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले ये जानो कि इंडियन आर्मी अभी वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी मतलब 1.4 मिलियन पर्सनल है अप्रॉक्स इंडियन आर्मी में। और ये बात डिफेंस ऑफ जापान रिपोर्ट जो आई वो मार्च 2020 में, उससे पुष्टि हुई है कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स है। और सेकेंड नंबर पे नॉर्थ कोरिया की है और थर्ड नंबर पे चाइना की है। जब इतनी बड़ी आर्मी, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डिफेंस बजट को बढ़ाया है, ना ही उन्होंने कोई स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट किया या एक्सरसाइज स्टार्ट की है ताकि आर्मी पर्सनल बढ़े। ये हुआ ऐसा है कि चाइना ने अपने आर्मी मेंबर्स को जस्ट हाफ कर दिया है आर्मी पर्सनल को, और बाकी नेवी और एयरफोर्स में उनको कन्वर्ट कर दिया है। देखते हुए जो प्रेजेंट सिनेरियो, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो है, नेवी पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। हालांकि इंडिया को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। इन मार्च ये एक न्यूज़ आई थी कि लेह लद्दाख में एक आर्मी मैन को कोविड-19 इन्फेक्टेड पाया गया था। तो बाद में उसकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि ये इन्फेक्शन उनको उनके फादर से आई थी, जो ईरान से वापस आए थे अपनी कंट्री, और उस टाइम में वो हॉलीडे के लिए अपने होम गए हुए थे। तो उस वो इस तरह से इन्फेक्टेड हुए थे। अगर ये पता नहीं चलता, आर्मी में क्या होता है कि आप काफ़ी दूर नहीं रह सकते हो, एक बंच में लोग रहते हैं। अगर कहीं पे भी कैंप लगा है, आर्मी कैंप है, कभी जंगलों में, फॉरेस्ट में, हिल्स पे, कहीं पे भी आर्मी बंच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रहेंगे, दो रहेंगे, नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो पॉसिबल नहीं है आर्मी में। तो क्यों ना ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया गया आर्मी में, आर्मी पर्सनल के लिए, ताकि वो कोविड-19 से बच सके एडवाइजरी फॉलो करके, प्रिकॉशंस लेके। अगर एक पर्सन को होगा, काफ़ी इजिली आर्मी के सारे लोगों को ये फैल सकता है। विद इन सम डेज, विद इन 1 वीक ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये सबको हो गया है, अगर किसी एक को हो रहा है तो आर्मी ऑपरेशन नमस्ते है क्या? आर्मी ऑपरेशन टू फाइट कोरोना वायरस, टू इंसुलेट आर्मी पर्सनल, असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट इन कंटेनिंग द पैंडेमिक। कोविड-19 से जो पैंडेमिक फैला हुआ है, पैंडेमिक मीन्स महामारी, ये जो फैला हुआ है उसको आर्मी पर्सनल अपने आप को प्रिकॉसिव मेजर्स लेके, एडवाइजरी को फॉलो करके बच सकते हैं। कि अभी तक कोविड-19 का कोई भी क्योर नहीं पता चला, कोई भी वैक्सीन भी नहीं आई है जो वैक्सीन को लेके एंटीडोट क्रिएट करके आप उससे बच पाओगे। और वैक्सीन भी उन्हीं लोगों को बचा सकता है जिसको कोविड-19 अभी तक हुआ नहीं है। बाई चांस आप जैसे बाहर निकलते हो, तो अगर कोविड-19 वायरस वहाँ पे है, आप उससे इन्फेक्टेड नहीं होगा अगर आप वैक्सीन लिए हुए हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट माई फोर्स फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग अमंग द आर्मी पर्सनल। ये एकदम पॉसिबल नहीं है कि आर्मी फोर्स, एयरफोर्स, नेवी को सोशल डिस्टेंसिंग से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि कहीं पे भी इंडिया में, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ जाए, फ्लड आ जाए या कोई भी इमरजेंसी आ जाए, वहाँ पे आर्मी को ही, आर्मी मैन ही आके हम सारे लोगों को मदद करते हैं। वो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी जितने सारे टर्म्स आते हैं वहाँ पे आर्मी को ही वाले को ही बुलाया जाता है, और वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। काफ़ी स्ट्रांग बिलीव होती है, स्ट्रेंथ होती है उनकी, कि वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। इंडिया लैंड बाउंड्री है। अब ये थर्ड कंटेंट क्या है? इंडिया लैंड बॉर्डर जो है, जो मेनली विद कंट्रीज लाइक चाइना, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, और भी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान है, तिब्बत है, और आप ये देख लो म्यांमार है। तो ये जो चार कंट्री है, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, ये चारों से सबसे ज़्यादा इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है शेयर होती है। तो आर्मी पर्सनल ऐसा नहीं है कि वो इन द सिटी है और टेरिटोरियल इंडिया एरिया के अंदर होते हैं इंडिया में, लेकिन वो बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के आर्मी मैन से भी कोविड-19 काफ़ी इन्फेक्टेड हो सकता है। कोविड-19 के थ्रू लोग काफ़ी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और फिर ये, और इसका बेसिक आइडिया ये है
कि सीरीज ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टिव्स टू ऑल इट्स बेसिस टू इंसुलेट द फोर्स फ्रॉम द कोरोना वायरस अ सेट ऑफ एडवाइजरी इशूड फ्रॉम प्रोटेक्शंस एंड कंट्रोल द सिचुएशन. इसमें ये प्रिकॉशनी मेजर्स है जैसे हैंड वॉश, प्रिकॉशनी मेजर्स एंड एडवाइजरी है जैसे हैंड वॉश करना, विदाउट हैंड वॉश आप अपने आई को नहीं टच कर सकते हो, यू डोंट हैव टू पुट योर फिंगर्स इन द नोज़. ये सब इस टाइप के एडवाइजरीज़ हैं और आर्मी वालों के लिए एक स्पेशल एडवाइजरी माना बनाया गया है क्योंकि उनका अलग ही लाइफस्टाइल होता है, हमारे से काफ़ी अलग होता है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा अलग होता है. नॉर्मल पर्सन सिटीज़न जैसे लाइफ जीते हैं सुबह उठ के जो भी करते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है आर्मी वालों का. और वो कई हाई हाइट पे भी रहते हैं और कहीं पे भी बहुत दूर जहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी कम से कम भी होती है वहाँ पे भी आर्मी पर्सनल होते हैं. तो बेटर ये रहेगा कि हर कोई प्रिकॉशन ले COVID-19 से. हालांकि अब ये नोवेल कोविड कोरोना वायरस नहीं रहा है क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, तो इसको नोवेल कोरोना वायरस तो नहीं बोलेंगे लेकिन COVID-19 कह सकते हैं. COVID-19 कहना ज़्यादा बेटर होगा. वायरस वायरस काफ़ी डीमोटिवेटिंग होते जा रहा है. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आर्मी चीफ का नाम क्या है. प्लस अगर किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच टिल द एंड. थैंक यू वेरी मच.